जावद में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचवा ने जावद सिविल हॉस्पिटल में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन करवाया। शिविर के शुभारंभ में उन्होंने जनता से शहर को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनने की अपील की। इस अभियान के तहत जावद में 2 से 3 महीनों में 1000 शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 18 साल से ऊपर के 2 लाख लोगों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप होगा। साथ ही सभी की निःशुल्क आभा IT भी बनवाई जाएगी। जावद विधानसभा में हमने ऐसा प्रयोग किया है कि हर एक के स्वास्थ्य का गहराई से परीक्षण करके उनकी कोई भी बीमारी आगे ना बढ़े, इसको ये किया। दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई IT क्रिएट करी आभा, जिसके माध्यम से सबका डाटा ऑनलाइन हो जाएगा, ताकि कभी भी कोई गंभीर बीमारी हो तो वो अपना दुनिया के किसी भी डॉक्टर को अपना IT कार्ड बताएगा, तो उनकी रिपोर्टें देख कर वो वहीं से ही इलाज करेगा। देखिए, निरंतर स्वास्थ्य सेवा पूरे जावद का अभियान मंत्री महोदय ने क्षेत्र की जो उनके 2 लाख के लगभग के आपके नागरिक हैं उनके लिए सेवा शुरू की है आज से। उसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट और एक कंपनी के बीच अनुबंध किया है, जिसमें कि करीब 15 जगहों पर विभिन्न तरह की मशीनें जो कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHCs हैं वहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, और कई तरह के टेस्ट हैं जिन जो कि टेस्ट अगर हम लोग बाहर कराते हैं तो उनका काफ़ी खर्चा है, 7-8 हज़ार रुपये के खर्चे हैं, जिसमें कि आपके ब्लड के सभी टेस्ट हैं, थायराइड के टेस्ट हैं, लीवर किडनी फंक्शंस के टेस्ट हैं, ECG है, एक्सरे है, मैमोग्राफी है, ये सारे जो टेस्ट हैं ये टेस्ट मतलब काफ़ी जो है बड़ी जगहों पर भी अवेलेबल नहीं होते। और सबसे अच्छा ये है कि इस के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का एक आभा ID भी बनाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार का जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का एक ID बना रहे हैं, और उस ID को इससे लिंक कर देंगे तो उनकी जो सारी जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी।